अगर कोई देश किसी इंसान को स्पेस में भेजे और फिर वापस बुलाने से मना कर दे तो ऐसे में उस इंसान को क्या क्या झेलना पड़ेगा और वो इंसान क्या क्या कर सकता है, ये जानकर आपको बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रशिया USSR यानी कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। स्पेस स्टेशन में कुछ मशीनें खराब होने की वजह से ये किकरालेव सोयूज को अंतरिक्ष में भेजते हैं और जब किकरालेव अंतरिक्ष में थे तो उस समय USSR का विघटन हो गया और रशिया पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गया। ऐसे में किकरालेव को नीचे कौन बुलाता। अपना काम पूरा करने के बाद किकरालेव धरती पर रेडियो के थ्रू जिससे भी उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती उस आदमी से बातें करना शुरू कर दिया। जब धरती के लोग उनसे पूछते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो किकरालेव बोलते कि गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से मेरी मांसपेशियां ढीली हो गई हैं और इम्यूनिटी काफी कम हो चुकी है। धरती के 5000 चक्कर और 10 महीने से ज्यादा समय के बाद किकरालेव वापस जमीन पर आए। कमेंट करके बताइए, काम हो जाने के बावजूद आपको ऑफिस या क्लास में बैठा रहना पड़ता है तो आप क्या करते हैं।